हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में। ये जो वीडियो है, जब से एसीएफ का नोटिफिकेशन आया है, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरी आ रही है स्टडी सोर्स क्या हो, क्या पढ़ें इन चीज़ों को लेकर के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में दो चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि किस किताब से पढ़ें, पहले जो एसीएफ के पेपर हुए हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ने का सोर्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जो ऑनलाइन क्लासेस द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है पेपर वन और टू के लिए, उससे संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण आपके सामने भी मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पेपर वन और पेपर टू, तो पहले हम पेपर वन की चर्चा करते हैं, है ना भाई। तो पेपर वन 150 नंबर का, 150 प्रश्नों का इनटू टू करें तो 300 नंबर होगा। कट ऑफ वगैरह से संबंधित सारी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है, सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो। तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है संपूर्ण छत्तीसगढ़, दूसरा पार्ट है भाषा और तीसरा पार्ट है तर्क शक्ति, मैथ्स एवं रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कौशल परीक्षण, ठीक है भाई। कम्युनिकेशन स्किल, तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का फॉर्मेट, रीजनिंग वगैरह का फॉर्मेट है, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल वगैरह जो है, ये तीन पार्ट हैं। इसके 50 प्रश्न होंगे, इसके 50 प्रश्न होंगे, इसके 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पे तीन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी भाषा, तीनों को मिलाकर के 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अध्ययन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, इसकी एक किताब है कौन सी, समग्र अध्ययन छत्तीसगढ़ की, ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके साथ आपको पढ़ना होगा क्या, राज्य का समसामयिकी, करंट अफेयर, राज्य का समसामयिकी, करंट अफेयर आपको पढ़ना, ठीक है। लेंदी है, यदि आप विशेषकर पहली बार छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो ये किताब आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब आप चाहते हैं कि सरलतम रूप से पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें मिले, तो दूसरा ऑप्शन है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ नोट्स का सोर्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ के पीडीएफ नोट्स का सोर्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। परचेस आपको करना पड़ेगा मिनिमम अमाउंट। तो इसकी जगह बने बनाए संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नोट्स को आप स्टडी कर सकते हैं, यह हुआ दूसरा माध्यम। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर के किसी भी प्रकार की किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी की किताब देख लें। अब एनसीईआरटी की किताब तो लैंग्वेज की हर साल होती है, छत्तीसगढ़ की किताब, लैंग्वेज की किताब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ भाषा कहां से लें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब परचेस करें, विनय कुमार पाठक, ठीक है। तर्क शक्ति के लिए किसी भी प्रकार की किताब का कहना उचित नहीं होगा, ये आपका एक्चुअली में टेस्ट है आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वालिटी का टेस्ट है ये आपका, आईक्यू लेवल टेस्ट होता है इसमें। तो इसमें किताब कोई काम नहीं आती, जो नेचुरल इंटेलिजेंस लेवल आपके माइंड सेटअप में है, जितने आप इंटेलिजेंट हैं, जो आपका तार्किक शक्ति है, उसी के अनुसार आपसे प्रश्न बनेंगे। प्रश्नों का आइडिया लेना हो तो क्या करना चाहिए, तो पूर्व में हुई परीक्षा के प्रश्न को हल करके देखना चाहिए, उस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये है। तो इसका कोई सोर्स प्रॉपर एक कोई किताब उताब नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है, जो तीसरा 50 प्रश्न है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का पेपर, ये एसीएफ का पेपर वन हुआ, पेपर वन का सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। तो पेपर वन का कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी टोटल फीस 3000 है,
जो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उसके माध्यम से पे करना है ऑनलाइन। ये जो क्लास है इसमें पहले छत्तीसगढ़ की क्लास होगी, फिर लैंग्वेज का क्लास होगा, फिर 10-15 दिन तक सकती है आईक्यू लेवल की क्लासेस होंगी, जिसमें अपने अनुभव और ज्ञान के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। अरे बात समझ में कि आपको कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। कंप्लीट फीस है 3000, जिसमें आपको ऑनलाइन वीडियो क्लास के साथ साथ क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्लस रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ कोर्स कंप्लीट होने पर पेपर वन का कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 150 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये टेस्ट सीरीज भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, सारा कुछ जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अरे बात समझ में, कंप्लीट रहेगा। पेपर वन का कोर्स हर हाल में 31 जुलाई तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। पेपर वन का कोर्स हर हाल में 31 जुलाई तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। यूट्यूब में क्लासेस नहीं अवेलेबल कराई जाएंगी, कोचिंग का जो प्रॉपर ऐप है उसके माध्यम से, जो ग्रुप है कोचिंग का उसके माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो को आप समय की बात करें तो क्लास अटेंड करने के लिए आप कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय क्लास अटेंड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो को आप 10 बार 12 बार देख सकते हैं जब तक आपका देखने का मन। वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, डाउट होने पे आप मुझे शाम को 5 से 9 के बीच कॉल करके क्या पूछिए, डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो, हालांकि मेरी कोशिश ऐसी रहती है डाउट का सवाल ही नहीं होता, 99% परफेक्शन के साथ क्लासेस चलती हैं। अब बात होती है किसकी, पेपर वन के लिए डेमो की। तो यूट्यूब में मेरे 100 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड हैं पहले से, जिसमें से लगभग 20-25 वीडियो तो छत्तीसगढ़ के ऊपर है, उन वीडियोज को देखिए, वही डेमो वीडियोज हैं। ध्यान रखिएगा मेरा काम जो है सिलेक्शन के लिए पढ़ाना है, नॉलेज के लिए, इतना कंफर्म है। जहां से मैं बता रहा हूं, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, फर्स्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से 110 से लेकर के 125 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, जिस टेक्निक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और जिस हिसाब से मैं कंटेंट शेयर करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 110 से 125 क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। आप बनाएंगे किसमें, ये आप बनाएंगे कितना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं। मतलब आप जितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और यहां पे आपको किससे बचना है, तो निगेटिव मार्किंग से बचना है सिलेक्शन के लिए, निगेटिव मार्किंग से बचना है सिलेक्शन के लिए। इसके पहले जो एसीएफ की परीक्षाएं हुई है उसमें पेपर वन का कट ऑफ कितना गया है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको पोस्ट मिला है। तो मैं टॉपर वगैरह की बात करूं तो 2016-2017 का देखें तो जो टॉपर्स का नंबर है, जैसे 2017 में मैं कहूं तो पेपर वन में 208 नंबर है, कितने में, आउट ऑफ 300 पेपर वन में। सारे टॉपर्स का नंबर जो है 200 से 208 के बीच में सिमट गया है। अब यदि 110 क्वेश्चन फंसने की बात मैं कर रहा हूं, 110 क्वेश्चन फंसेगा आराम से मैं कह रहा हूं, तो 100 भी फंसता है तो 200 तो आपका आराम से कवर हो रहा है, 110 तो आराम से फंसेगा। 110 में यदि आप मात्र 5 गलत करते हैं तो आप टॉपर के आसपास परफॉर्म कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया अभी इसका ड्रॉबैक है निगेटिव मार्किंग, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम है, जो नहीं बन रहा था वो भी बनाने की कोशिश करोगे तो डूबोगे आप, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्लियर है, ये बात हुई पेपर वन की। पेपर वन का सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। पेपर वन का कोर्स 31 जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा। 31 जुलाई के बाद सिर्फ कंप्लीट पेपर वन का टेस्ट सीरीज चलेगा। टेस्ट सीरीज भी उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी एडमिटेड हैं। बाद में सिर्फ टेस्ट सीरीज में पेपर वन के लिए कोई एडमिशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है।
ये बात हुई पेपर वन की कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं पेपर टू की तरफ, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल है ना भाई। चलिए तो अब हम देखते हैं पेपर टू, पेपर टू में क्या क्या है। फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, बायोलॉजी जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर कृषि, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री वानिकी। ये आपके पेपर टू में ये सात पोर्शन है। पेपर टू में 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के दो मार्क्स, टोटल 300, और इसमें माइनस मार्किंग है 1/3 गलत उत्तर देने पे। पेपर वन में भी माइनस मार्किंग है 1/3 गलत उत्तर देने। तो ये 150, ये सारा पार्ट जो है 150 में बढ़ जाएगा। इसका डिटेल सिलेबस पीडीएफ के माध्यम से मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, उस नंबर पे पहले भी मैं बता चुका हूं। अब इसमें देखिएगा, ये जो पोर्शंस हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एनवायरमेंट का बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक आपको बायोलॉजी में भी मिलेंगे, एग्रीकल्चर के काफी सारे टॉपिक आपको बायो और एनवायरमेंट में, बायो और केमिस्ट्री में मिल जाते हैं, वानिकी में बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर से मैच करती हैं, फिजिक्स पूरा इंडिविजुअल है जो किसी से मैच नहीं करता है। तो अब यहां पे किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे, तो टेंटेटिव जो एक्सपीरियंस करता है इंडिविजुअल सभी पार्ट से कम 20 अधिकतम 25, टोटल 150 है तो 25 × 150 है ना भाई। तो इस आधार पे हर भाग से 20 से 25 प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में, टोटल 150 में, ठीक है भाई। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 प्रश्न। अब हम बात करते हैं स्टडी सोर्स की, कहां से पढ़े, स्टडी सोर्स की कहां से पढ़े, मतलब कि किताब जिसको लेकर के सबसे ज्यादा क्वेरी है मेरे पास कि सर पेपर टू के लिए कहां से पढ़े। तो मेरे दोस्त, पेपर टू के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है, फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल है पर सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th कंप्लीट इसकी जो किताब है। तो किताब को कैसे पढ़ना है, तो एक हाथ में सिलेबस रखिए, एक हाथ में आप किताब रखिए। एनसीईआरटी की किताब आप ऑनलाइन पीडीएफ जो है फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक करके गूगल सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ किताब गूगल में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। उस किताब से उन्हीं उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है जिसको एसीएल के सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ। आ रही बात समझ में, एनसीईआरटी की किताबें सोर्स है, स्ट्रॉन्ग सोर्स है। दोनों साल 16 और 17 में जो प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की किताब के लास्ट में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन सेम आंसर के साथ 16-17 के एसीए पेपर में आया हुआ है। मतलब कि थ्योरी नहीं भी पढ़ के खाली क्वेश्चन ही कर लिए तो भी पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि 100% क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, इट्स अप टू यू। लेकिन किसी भी प्रकार से रिस्क लेना बेवकूफी। पेपर टू के लिए मेरे जो पहले वीडियो हैं उसमें मैंने आपको कहा भी था कि पेपर टू का स्टडी इतना आसान नहीं है, पर उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपके आसपास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फैकल्टीज हैं उनको अप्रोच कीजिए, दे हैव गुड एक्सपीरियंस। मेरे पास काफी सारे कॉल्स आए इस बात के लिए कि सर पेपर टू का ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की कॉल्स आए, आप लोगों के रिक्वेस्ट आए, इस वजह से पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारे द्वारा अरेंज कर दी गई है, पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस जो है अब हमारे द्वारा अरेंज की गई है आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के ही कहने पर। अब यहां पे मैं आपको बता दूं
पेपर टू जो है तो पर्टिकुलर किसी एक फैकल्टी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। पेपर टू कोई यदि कहता भी है तो स्पष्ट कह रहा हूं वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं पेपर टू। यदि एक व्यक्ति के बस की बात होती तो पहले वीडियो में ही मैं आपको बता देता कि पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस हम अवेलेबल कर रहे हैं। इवन मेरे पास जो CGPSC के साइंस के फैकल्टीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट है, इस वजह से कॉम्पिटिटिव लेवल के जो फैकल्टीज हैं जो AIPMT IIT की क्लासेस लेते हैं उनसे पिछले दो दिनों में मैं मिला, उनसे खूब सारी बातें की, उनको आप लोगों के लिए कन्विंस किया हूं। और उसके बाद द CGPSC कोच जो है नामदेव क्लासेस एक फेमस इंस्टीट्यूट है स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, और इसके पहले ACF वगैरह में भी सर ने अच्छी खासी बैचेस बनाई हैं, 25 से ज्यादा ACF सिलेक्शन हुए हैं नामदेव सर के यहाँ से। तो नामदेव क्लासेस जो है यहाँ पर नामदेव सर से हमने बात की और यहाँ से हमने सेट किया है सेकंड पेपर की ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सारे टीचर्स को हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको कन्विंस किया, और लॉकडाउन होने के बाद भी उनको हमने समय देने के लिए आप लोगों को कन्विंस किया। ठीक है भाई, तो यहां पर इन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स जो है वो हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी। अनीश सर, हमारा जो है 8 साल का कैरियर पॉइंट ग्रुप में IIT JEE क्लासेस लेने का एक सॉलिड एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव लेवल का विथ 11th-12th रेगुलर क्लासेस। ओके, तो फिजिक्स का जो सिलेबस में है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को दो पार्ट में हम डील करेंगे, एक थ्योरी पार्ट होगा, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पार्ट होगा। वैसे ही केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये नामदेव सर हैंडल कर रहे हैं, बायो वाला जो पोर्शन है उसको मोतीलाल पाटले सर हैंडल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है इसको पाटले सर अभिषेक सर हैंडल कर रहे हैं, अभिषेक सर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी है इसको नामदेव सर हैंडल कर रहे हैं, पर्यावरण जो है इसको पाटले सर हैंडल कर रहे हैं, और वानिकी जो है इसको लक्ष्मीकांत साहू सर हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह से इन 7 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 6 फैकल्टीज जिनको 8 से 10 साल से लेकर 25 साल तक का एक्सपीरियंस है टीचिंग पढ़ाने का, टीचिंग करने का, पढ़ाने का, वो फैकल्टीज जो है पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस में द CGPSC कोच के प्लेटफॉर्म के साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कुछ 4-5 डेमो क्लासेस, डेमो वीडियोस यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, यूट्यूब में जाकर के देखिएगा। फिजिक्स की थ्योरिटिकल क्लासेस पहले ही मेरे द्वारा अपलोड की गई है, पिछले 2 साल से मैं YouTube में बना हुआ हूं और मेरी गाइडलाइन और मेरा जो कंटेंट है वो हमेशा परफेक्ट होता है, बिल्कुल आदत नहीं है मेरी स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने का और मिसकम्युनिकेट करने का, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे सारे वीडियोस पहले जाकर के देखिएगा। CGPSC के क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, एक ही बैच में मेरे 23 इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 7 लोगों को सेकंड क्लास ग्रेजुएटेड पोस्ट मिला हुआ है। फर्स्ट बैच की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो प्रीलियम्स आने वाला है 100% श्योर 50 से ज्यादा प्रीलियम्स क्वालिफाई होने वाले हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। अरे बात समझ में, तो हवा में कुछ भी बात नहीं है। जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता हूं और लगता है कि वाकई में अपने फुलफिल अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर दूंगा तभी मैं क्लासेस को आपके सामने लेकर के आता हूं। अरे बात समझ में, तो 6 सीनियर फैकल्टीज जो कि कॉम्पिटिटिव सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं वो मिल करके सेकेंड पेपर का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इसमें भी फंडा सेम है, वीडियो आप जब चाहें किसी भी टाइम जितने बार चाहें देख सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं तो अभी आने वाला जो गुरुवार है मतलब कि आपका सैटरडे एंड संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 4 दिन बाद जो गुरुवार आने वाला है उस दिन से पेपर टू की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पेपर वन की क्लासेस परसों मतलब कि सोमवार से प्रारंभ हो रही है, तो पेपर वन के लिए आप यदि स्टडी करना चाहते हैं तो मंडे तक आप एडमिशन ले लें, 1-2 दिन बाद भी एडमिशन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
और ज्यादा लेट में भी एडमिशन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको कंटेंट को जो है ज्यादा से ज्यादा कवर करना पड़ेगा कम समय में। स्टार्टिंग से ही आप स्टडी कर रहे हैं तो आप रोज एक एक दो दो घंटे की स्टडी में पेपर वन आपका कवर हो जाएगा। एक घंटे की स्टडी लगेगी पेपर वन में, आधे घंटे का एक वीडियो और एक घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी, बाकी पूरा टाइम में पेपर टू में लीजिए। और अभी जैसे गुरुवार से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो तीन सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो पहले इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तीनों सब्जेक्ट के एक एक वीडियो रोज मिलेंगे आपको, एवरीडे, और वीडियो के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक का मिलेगा पीडीएफ नोट्स, और उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद आपके होंगे टेस्ट। जब ये तीनों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर ही पोर्शंस की क्लासेस लेनी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। सेकंड पेपर का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा 31 अगस्त तक। कब तक? 31 अगस्त तक। क्लासेस की टाइमिंग फिक्स नहीं है तो आप जिस भी समय फ्री होंगे उस समय आप ऑनलाइन क्लासेस को, वीडियो को देख सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं। अभी लॉकडाउन में कोचिंग बंद है, जब भी आप कोचिंग ओपन होगा तो कोचिंग में आप ऑफलाइन क्लासेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपने ऑनलाइन में एडमिशन लेकर के फीस पे कर दिया है तो आपको ऑफलाइन में फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड पेपर का जो कंप्लीट फी है वो 8,000 रुपए रखा गया है, 8,000, जो कि आपको वन टाइम पे करना है ना भाई। सभी फैकल्टी से बातचीत करने के बाद हम जितना कम से कम फीस आपके लिए रख सकते थे उतना कम से कम हमने सेट किया है। तो सेकंड पेपर को लेकर के हमने आपको सोर्स बता दिया, फीस बता दी, फैकल्टीज बता दिए, कुछ डेमो वीडियोस यूट्यूब में फिजिक्स के पहले से अवेलेबल हैं रिगार्डिंग थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन का कभी नीड नहीं था तो हमने करवाया नहीं, ठीक है। अभी सर रामदेश्वर की एक वीडियो जो है केमिस्ट्री की आज अपलोड हुई भी है, अभी एक दो वीडियो कल परसों और अपलोड होंगे YouTube में डेमो पर्पस से। उसके बाद आपका सोर्स हमने बता दिया, टीचर्स हमने बता दिए, पेपर टू का जो कोर्स है कब तक कंप्लीट हो रहा है, 31 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है ये हमने बता दिया, ठीक है भाई। क्लासेस स्टडी करने की टाइमिंग फिक्स नहीं है तो आप किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए वीडियो अपलोड रहेगा, एक बार अपलोड होने के बाद आप उसको उस दिन पे किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेकेंड डे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 72 घंटे तक वीडियोस जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, आप उसको जितने बार चाहें देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, और इन सब चीजों के ऊपर सबसे खास बात, 31 अगस्त तक जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो 1 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक प्रोवाइड होगा क्या, टेस्ट सीरीज। इसमें भी बाद में एडमिशंस नहीं दिए जाएंगे, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में कैसा होगा, अल्टरनेट होगा, मतलब कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो 1 सितंबर को हुआ पेपर वन, तो 2 सितंबर को होगा पेपर टू, फिर 3 सितंबर को होगा पेपर वन, फिर 4 सितंबर को होगा पेपर टू। इस तरह से 8 पेपर पेपर 1 के और 8 पेपर पेपर 2 के आपके टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकेंड पेपर के लिए भी इन सारे फैकल्टीज का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिया जाएगा, सारे फैकल्टीज का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिया जाएगा, ताकि आप शाम को 5 से 9 बजे के बीच कॉल करके जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सके। डाउट्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो अगले दिन के वीडियोज में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको शेयर किया जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस तरह से हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, रिगार्डिंग पेपर वन एंड पेपर टू। विश यू ऑल द बेस्ट। जो कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बता दीजिए, सर मुझे पेपर वन या पेपर टू के ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा, फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस में ऐड कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में?
ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ भी छूटा हुआ है। स्टडी का सोर्स हमने आपको बता दिया, तो सेकंड पेपर की तैयारी के लिए बुक क्या होगा, सोर्स क्या होगा, इट्स वेरी क्लियर। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लीजिएगा, कॉम्पिटिशन टफ है। सेकेंड पेपर के कट ऑफ की बात थोड़ी हम करें तो ध्यान दीजिएगा, जो सिलेक्शंस हुए हैं इसके पहले 2016-17 में, तो सेकंड पेपर में टॉपर के जो मार्क्स रहे हैं वो 176 मार्क्स रहे हैं। अरे बस समझ में, 176 मार्क्स रहे हैं, है ना भाई, 382 दोनों पेपर मिलाकर के आउट ऑफ 600, और 55 मार्क्स आउट ऑफ 75 इंटरव्यू में, तो आपका ये टोटल 443 के आसपास होता है। ये स्टेट टॉपर के मार्क्स रहे हैं कितने में, आउट ऑफ 75 में। तो यहां पे आपको कट ऑफ नहीं देखना है, आपको टॉपर मार्क्स देखना है। क्यों? क्योंकि आपको टॉप में बनने का प्रयास करना है ताकि आपको पोस्ट मिले। कट ऑफ के चक्कर में रहोगे तो आप कट ऑफ से नीचे अचीव करोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू तक पहुंचोगे, फिर वापस आ जाओगे। और टॉपर को फॉलो करोगे तो आप टॉप में रहोगे, तो नीचे उतरते उतरते पोस्ट लेने वाले कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और आफ्टर ऑल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 178 है, तो कुछ भी कर लिया जाए, 178 से ज्यादा लोगों की तो पोस्टिंग होने वाली है नहीं। कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट्स हजारों रहेंगे, तो हर एक मिनट का सदुपयोग और 100% डेडिकेशन, विथ सबसे खास बात क्या, संपूर्ण क्लियर एकदम सारगर्भित मार्गदर्शन। यहां पे जो गाइडलाइन है ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, जो वीडियो है, जो ये कंटेंट है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसीलिए, ताकि ये स्मार्ट टेक्निकल टेक्निक से कम समय में आपका सिलेबस इस तरह से कवर करवाएं कि आराम से क्वेश्चन फंसे। पेपर टू में मैं आपको सियोरिटी दे रहा हूं कि 80 पेपर टू में आपके लगभग 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 फंसेंगे, और इस 120 में 80 से 100 आपका परफेक्ट अटेंड जाएगा। तो 80 मतलब इंटरव्यू देगा, 100 मतलब पोस्ट लेगा, ये डिफरेंस है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्लियर कट गाइडलाइन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और क्लियर कट गाइडलाइन के लिए ही हमने इतनी सारी मेहनत कर रखी है ताकि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाएं और अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, झुट जाइए, बिल्कुल लग जाइए, हर एक मिनट का उपयोग कीजिए, और 20 सितंबर को ACF की जो परीक्षा होने वाली है उसमें अपने आप को सीधे टॉप 10 में सेट कीजिए, और हर हाल में अपने पद की प्राप्ति का पूर्ण प्रयास कीजिए। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ये कमिटमेंट है मेरा आपसे। Thank you very much.